हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के नए कॉन्सेप्ट की, जिसमें हम बात करेंगे अगर हमारे पास अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हैं, अलग अलग टाइप की डिवाइसेस हैं, जैसे कि हमारे पास रजिस्टर है, हमारे पास कैपेसिटर है, हमारे पास इंडक्टर है, और इनसे बने हुए किस नेटवर्क के अक्रॉस हम एसी अप्लाई करते हैं, तो ये किस तरीके से बिहेव करेंगे, इसमें करंट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे और किस तरीके से इनके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, वही हमको आगे देखना है। अभी तक हमने एसी के कॉन्सेप्ट को देखा कि एसी को मेज़र करने के लिए हम आरएमएस वैल्यू का यूज़ करते हैं, एसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फेज़र नोटेशन का यूज़ करते हैं। फेज़र नोटेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एसी को डायरेक्टली उनका जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, जो डायरेक्ट वैल्यू है, वो हम एड नहीं कर सकते हैं। तो उनका अगर इफेक्टिव वैल्यू निकालना है अपने को, एडिशन के बाद में वैल्यू, एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर हमको करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम कैसे करेंगे, फेजर डायग्राम की हेल्प से। ये सारा कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात करेंगे एसी नेटवर्क की। किसकी बात करेंगे, एसी नेटवर्क की। ओके, और एसी नेटवर्क में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एसी अक्रॉस रजिस्टर। सबसे सिंपल एलिमेंट क्या है, रजिस्टर। सबसे फर्स्ट हम बात कर रहे हैं एसी अक्रॉस रजिस्टर। ध्यान से आपको समझना है, हमारे पास एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर और उसके अक्रॉस एसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स हमने लगाया है। हमको पता है कि एसी जो होता है वो होता है वीएम साइन ओमेगा टी। ओके, जैसे ही अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमने उसके अक्रॉस अप्लाई किया तो उसमें करंट फ्लो होने लगेगा। क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा आईटी, क्योंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज है तो करंट भी क्या होगा, अल्टरनेटिंग होगा, आईटी करंट फ्लो होने लगा। हमको अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पता है आईटी इज इक्वल टू वीटी बाय आर होता है। ये हमने कैसे लिखा है, ओम्स लॉ की हेल्प से। कैसे लिखा है, ओम्स लॉ की हेल्प से। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ हमने पढ़ा है, वी इज इक्वल टू आई आर, वही हमने यूज किया है। वी का वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे। ओके, वी इज इक्वल टू कितना है बताओ, वी एम साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर। इतना समझ में आया, तो यहां पर आई टी जो होगा वो होगा वी एम डिवाइडेड बाय आर साइन ओमेगा टी। अच्छा बच्चों, ये आर क्या टाइम पे डिपेंड करता है, नहीं, ये तो कांस्टेंट है। ये वी एम बाय आर को हम पीक वैल्यू ऑफ करंट लिख सकते हैं, आई एम। क्या लिख सकते हैं, आई एम। तो आई टी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई एम साइन ओमेगा टी। क्या लिख सकते हैं, आई एम साइन ओमेगा टी। ये साइन ओमेगा टी के मल्टीप्लीकेशन में जो भी है इसको हम कहेंगे उसका एम्पलीट्यूड या फिर पीक वैल्यू। क्या कहेंगे, तो यहां पर हमारे पास पीक वैल्यू कितना आया, पीक वैल्यू ऑफ करंट। पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या है यहाँ बताओ जरा, पीक वैल्यू ऑफ करंट आई एम हमारे पास में आया है वी एम डिवाइडेड बाई आर। कितना आया है, आई एम इज इक्वल टू वी एम डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, ध्यान से समझना है, सबसे पहले हमको करंट का पीक वैल्यू का फार्मूला याद रखना, इट इज वी एम बाई आर। एक और कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, अगर हम वी टी की बात करें तो उसका इक्वेशन है आई एम साइन ओमेगा टी, और अगर हम आई टी की बात करें तो उसका इक्वेशन हमको मिला आई एम साइन ओमेगा टी। लास्ट लेक्चर में हमने फेज डिफरेंस देखा था, अगर हम यहाँ पर पूछें कि इस वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, इसका फेज ज़ीरो है, इसका इनिशियल फेज भी ज़ीरो है, तो फेज डिफरेंस कितना आया, ज़ीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जिसमें हमको ये याद रखना है कि रेजिस्टेंस के लिए फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज के बीच में कितना होता है, जीरो होता है, जीरो होता है, कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट तो हो गए, जीरो ही रहेगा। प्योर रेजिस्टर के लिए, रेजिस्टर के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है, जीरो रहेगा। आए समझ में, तो ये पॉइंट हमको लिख लेना है, फॉर रजिस्टर फेस डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज इक्वल टू ज़ीरो। फेस डिफरेंस कितना होगा, ज़ीरो होगा। ओके,
ये हमने सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखा। अब हम यहाँ पर इसकी वेवफॉर्म प्लॉट करते हैं। क्या प्लॉट करते हैं बच्चा? वेवफॉर्म प्लॉट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हमने वोल्टेज का वेवफॉर्म बनाया है ऐसा, ये है वोल्टेज, ओके। तो करंट का वेवफॉर्म कैसा बनाएंगे हम? करंट का वेवफॉर्म बनाएंगे इसके बिल्कुल साथ साथ। वो ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो, वो ज़ीरो है वो मैक्सिमम हुआ तो ये भी मैक्सिमम हुआ। ये जो रेड कलर का है ये करंट का वेवफॉर्म है। दोनों के बीच फेज डिफरेंस क्या है? ज़ीरो है, दोनों साथ साथ चलेंगे, ओके। जब करंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा वोल्टेज का वैल्यू मैक्सिमम होगा, जब करंट का वैल्यू ज़ीरो होगा वोल्टेज का वैल्यू ज़ीरो होगा, या हम उल्टा भी बोल सकते हैं, जब वोल्टेज का वैल्यू ज़ीरो होगा करंट का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, जब वोल्टेज का वैल्यू मैक्सिमम होगा करंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा। फेज डिफरेंस कितना है? ज़ीरो है, वो आगे पीछे नहीं चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। अगर हमको फेजर डायग्राम देखना है, ये हमने वेवफॉर्म देखा, अब हम देखते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, ओके। तो फेजर डायग्राम आपको पता है, ये है वोल्टेज का फेजर और करंट का फेजर किधर बनाएंगे? दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है बताओ? फेज डिफरेंस कितना है? ज़ीरो। फेज डिफरेंस कितना दोनों के बीच में? ज़ीरो। तो करंट का फेजर भी उसी डायरेक्शन में बनेगा जिस डायरेक्शन में वोल्टेज का फेजर है, ओके। 90 क्यों होगा? दोनों के बीच का एंगल 90 है क्या? जिसमें होगा वो हम पढ़ेंगे। अभी 90 है क्या? नहीं। तो दोनों का फेज डिफरेंस कितना होगा? ज़ीरो होगा। दोनों का फेज डायग्राम, फेज एक ही डायरेक्शन में होगा, ओके। ये हमने देखा। अभी हमने इस लेक्चर में देखा कि अगर हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स एसी के अक्रॉस लगाया तो करंट कितना होगा, फेज डिफरेंस कितना होगा, वेवफॉर्म कैसा बनेगा, फेजर डायग्राम कैसा बनेगा। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और हमको अभी देख लेना है कि अगर हमको आरएमएस वैल्यू निकालना है, आई आरएमएस निकालना है, तो आई आरएमएस कितना होगा? वी आरएमएस डिवाइडेड बाय आर। कितना होगा? वी आरएमएस डिवाइडेड बाय आर, ओके। थैंक यू।